भाई मैंने न्यू हेडफोन खरीद लिए। हेडफोन खरीदने से पहले मैं हैंड फ्री से काम चलाता था, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ये पोर्ट्स, इन पोर्ट्स में करीबन एक माइक की स्लॉट होती है और एक वो, और हैंड फ्री की एक ही स्लॉट होती है। तो उसको मैंने कवर अप करने के लिए एक कन्वर्टर लिया, उसको हैंड फ्री के साथ लगाया और उसके साथ मैं काम चला रहा था। लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है, क्योंकि वो सस्ते में काम हो गया था मेरा, शायद 500 में काम हो गया था वो, और हेडफोन का काम पूरा दे रहा था, बेटर था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हेडफोन लिए जाएँ, क्योंकि हैंड फ्री में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो बड़ी अनकंफर्टेबल थी और उसके ऊपर से जो उसकी जो तार थी वो थोड़ी छोटी थी। तो फिर मैंने एज अ बजट, मुझे कोई इतना शौक नहीं था कि मैं कोई गेमिंग हेडफोन लूँ, या गेमिंग का मुझे इतना शौक भी नहीं है, मुझे कोई इतने बंदों की या कहते हैं ना फुटप्रिंट सुनने होते हैं, फुट की आवाज़ जो सी होती है वो सुननी होती है, तब जाके आपको एनिमी पर एलोकेट होता है कि एनिमी का है। मेरा वो सीन है, मेरा सीन था एडिटिंग का बस। तो एडिटिंग के लिए मैंने सिंपल से लिए हैं रेड ड्रैगन के एरीज, कुछ इस तरह का नाम है, और ये मुझे तकरीबन पड़े हैं 2200 के। तो मेरे लिहाज से ये हेडफोन 2000 के करीब में ओके हैं, आपको साउंड क्वालिटी भी ठीक मिल जाती है, बहुत हाई नहीं मिलती लेकिन ठीक मिल जाती है, माइक भी इसका ओके है, और बाय द वे मेरे लिए कंफर्टेबल है। मेरे आगे में भी एक दो साल ये निकाल जाए जो कि बेस्ट हैं 2000 रुपये में, क्योंकि 2000 रुपये में तो आजकल कुछ भी नहीं आता। ऑलमोस्ट इसकी प्राइस पे कुछ महीनों पहले 2000 की थी जब मैंने रिव्यूज या ऑनलाइन देखा था। तो अभी मैंने लिया कैसे, ना ही मैंने ऑनलाइन बाई की है, ना ही ये मैंने शॉप पे जाके बाई की है। मैंने एक दोस्त हफीज सेंटर गया था, हफीज सेंटर बाय द वे इन लाहौर, तो मैंने उससे कहा कि यार जस्ट आप मेरे लिए ले आना, तो ही ब्रॉट दिस का। मुझे तब पता चला क्योंकि मेरे ऑफिस में भी ही यही हेडफोन यूज़ हो रहे हैं और मेरे लिए ठीक है। चलते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे अनबॉक्सिंग करने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन सब लोग आप अनबॉक्सिंग करके बेवकूफ़ बनाते हैं, तो मैंने सोचा आप भी बना लें। बाय किए थे, तो आप में भी आप भी कहीं से भी बाय कर सकते हैं, तो मुझे सर्विस अच्छी थी। कहा इन्होंने 2500 के थे, तो लेकिन मैंने कहा भाई 2200 तो डन होगी डील। YouTube इस चीज़ को तो बड़ा प्रमोट करते हैं आप अनबॉक्सिंग करें, लेकिन मेरा कोई इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन YouTube चैनल ग्रोथ के लिए मैंने भी अपनी अनबॉक्सिंग कर दी। बट कुछ नहीं होता, मुझे अनबॉक्सिंग करनी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैंने शूट की। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सिंपल थी। जब बॉक्स खोला और हेडफोन बाहर, बॉक्स में से निकला एक कन्वर्टर जो कि आप फ़ोन के साथ भी इन हेडफोन्स को यूज़ कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्ड क्वालिटी मुझे तो अच्छी लगी है, शायद मेरा पहला हेडफोन एंट्री लेवल हेडफोन है, मुझे तो क्वालिटी अच्छी लगी है, और जो इसकी हेडरेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, पफिंग भी अच्छी है। मेरा क्योंकि जो सर है वो का उसका साइज़ काफ़ी छोटा है, उस हिसाब से ये मेरे हेडफोन तो पूरे आए हैं। अब जो ये इसके पफ हैं, तो इन ईयर तो नहीं है, आउट ईयर आपके शो होते हैं, लेकिन मेरे कान वगैरह छोटे हैं, तो मेरे जो काफ़ी कंफर्टेबल, मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल और ओके लग रहे हैं। ओके है भैया, अब आपको 2000 में क्या वो क्या दें आपको, 2000 में इनफ बेस्ट क्वालिटी है। लगता है मेरा एडिटिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा इसके साथ। और ऑल्सो यार मुझे सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत है, लेकिन मैं ये कहना नहीं चाहता था। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं मेरी, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।